बाकी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 3 एक्सरसाइज नंबर 1 का प्रश्नोत्तर करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका निकालें और इसे लिखना शुरू कर दें। जैसे कि पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब अगला प्रश्न है, लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लिख रहे होंगे। अब है अगला क्वेश्चन, व्याकरण की परिभाषा लिखें। व्याकरण की परिभाषा लिखें तो इसका उत्तर होगा, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। इसका उत्तर होगा, व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी कि व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण के जरिए हम भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। अब है प्रश्न संख्या 2। एक तरफ प्रदेश का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ भाषाओं का नाम है, तो प्रदेश और भाषा का मिलान करना है। प्रदेश और भाषा का मिलान करें, जैसे कि बंगाल, तो बंगाल की भाषा है बांग्ला। बंगाल की भाषा बंगला होगी। उसके बाद है कर्नाटक, कर्नाटक की भाषा कन्नड़, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। इसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। और अंत में है कश्मीर, तो कश्मीर की भाषा कश्मीरी होगी। फिर एक बार मैं इसे दोहरा देता हूं, बंगाल बांग्ला, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, कश्मीर कश्मीर। तो बच्चों, आज हिंदी व्याकरण स्टैंडर्ड 3 में प्रश्नोत्तर खत्म किया जा रहा है। अगले क्लास में मैं हिंदी व्याकरण का एक्सरसाइज 2 यानी कि पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।